हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ छाया यादव। दिस इज़ माई फिफ्थ वीडियो लेक्चर ऑन हिस्ट्री पेपर 4। टॉपिक है मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी में हमने फोर्थ लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था डेटिंग मैथड, रिलेटिव डेटिंग एंड एब्सोल्यूट डेटिंग। मैथडोलॉजी का जो सेकेंड पार्ट है, आज लेक्चर फिफ्थ में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे न्यूमिस्मेटिक्स, मेन इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी एंड स्क्रिप्ट्स। ये आज का हमारा टॉपिक है मैथडोलॉजी, ठीक है। उसमें ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखिए, डिस्कस वेरियस मैथडोलॉजीज टू स्टडी डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी न्यूमिस्मेटिक, मेन इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, स्क्रिप्ट सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देना है, क्योंकि इसने सारे टाइप्स पूछे। लेकिन अगर अलग से आता है, जैसे व्हाट इज़ न्यूमिस्मेटिक्स इन हिस्ट्री, तो आपको न्यूमिस्मेटिक बताना है, क्योंकि शॉर्ट भी आप में पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि फोर्थ लेक्चर में कि एब्सोल्यूट डेटिंग के अंदर का पार्ट पूछ लिया कार्बन 14, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे शॉर्ट्स भी बन जाते हैं। जैसे व्हाट इज़ न्यूमिस्मेटिक्स इन हिस्ट्री, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन के बारे में बताना है। फिर है व्हाट इज़ एपिग्राफी, एपिग्राफी के बारे में बताना है। फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ पैलियोग्राफी या एपिग्राफी। आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्क्रिप्ट्स इन हिस्ट्री, कि जो स्क्रिप्ट्स है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है हिस्ट्री में, ये आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इस टॉपिक पे बन सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक न्यूमिस्मेटिक्स, कि न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हम जो है क्वाइंस की स्टडी करते हैं इसमें, क्वाइंस की स्टडी, क्योंकि आप मैथडोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मैथडोलॉजी में क्या है, वो मेथड है जिससे हम फैक्ट्स पाते हैं उस हिस्ट्री एंशियंट टाइम की, जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, मैथडोलॉजी के थ्रू पता चलता है। कि उस मेथड से कैसे, हम किस मेथड से पता करते हैं, वो मेथड आप देखिए न्यूमिस्मेटिक, जिसमें हम क्वाइंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि न्यूमिस्मेटिक्स इज़ कंसीडर्ड एज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। जो न्यूमिस्मेटिक है वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, कंसीडर किया जाता है न्यूमिस्मेटिक, क्योंकि क्वाइन से बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। उस टाइम की इकोनॉमी पता चलती है, उस टाइम की किस तरीके से ट्रेड होता था, कहाँ कोई भी जो डायनेस्टी है या किंग है उसका कहाँ से कहाँ तक ट्रेड हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमको इसमें मिलती है न्यूमिस्मेटिक में हम स्टडी करते हैं। इसमें यही स्टडी किया जाता है कि जो क्वाइंस है वो कैसे बना, या इस पर डिज़ाइन कैसी बनी हुई है, किस पीरियड में किस तरीके के क्वाइंस हैं, ये स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो क्वाइंस हैं, मतलब आपने क्वाइंस की इम्पॉर्टेंस समझ ली कि सबसे एंशियंट और मोस्ट जो है वो सोर्स है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि जो क्वाइंस हैं, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो देखना है कि सबसे अर्लीस्ट क्वाइंस कौन से थे, किस मेटल के थे और किस तरीके से वो बनते थे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, अर्लीस्ट क्वाइंस आर नोन एज द पंच मार्क्ड क्वाइंस। अब इसके नाम से आपको कैसा लग रहा है, पंच मार्क्ड क्वाइंस, कि उस पर पंच कर रहे हैं, पंच करके मार्क बना रहे हैं। इसके नाम से ही आपको इसका आंसर मिल रहा है। और ये जो है सबसे पहले हमें पंच मार्क क्वाइंस मिले थे, और पंच मार्क क्वाइंस पे क्या होता था, सिंबल्स बने होते थे। उन सिंबल्स को जो है हम देखते थे, दे आर मेड ऑफ आइदर सिल्वर और कॉपर। कैसे बने होते थे, इसका मेटल कैसा होता था, सिल्वर और कॉपर होता था। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सबसे पहले क्वाइंस थे मुझे मिले, वो पंच मार्क क्वाइंस मिले। पंच मार्क क्वाइंस में किस तरीके से बनता था, उसके नाम से देखिए, पंच करके और उस पर सिंबल्स होते थे। कहीं पे मतलब फिश का सिंबल है, ट्री का सिंबल है, रिवर का सिंबल है, ऐसे सिंबल्स जो हैं इस पर बने होते थे, ठीक है, जिसको अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है कि उन्होंने क्या लिखा है। जो उनकी स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो भी नहीं पढ़ी जा चुकी है। क्यों, क्योंकि उसमें जो सिंबल के फॉर्म में उन्होंने अपनी जो है वो स्क्रिप्ट है, जो नहीं पढ़ी जा चुकी है कि क्या लिखा है, और अभी भी लोग पढ़ने की उसको कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही पंच मार्क पॉइंट्स पे ये सारे सिंबल्स बने होते थे, जिसे अभी आइडिया केवल सिंबल से ही हम लगा सकते हैं कि सिंबल ही बने हैं। फिर देखिए,
ये आपने देखा कि अर्लीस्ट ऐसे मिले, फिर क्या है, द इंडो ग्रीक क्वाइंस वर ऑल्सो मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर एंड रेयरली इन गोल्ड. ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडो ग्रीक क्वाइंस हैं वो कैसे हैं, सिल्वर हैं और कॉपर हैं. ठीक है, फिर ऐसे ही आप देखिए कि जो अब हमने देख लिया कि इंडो ग्रीक अब जो भी डायनेस्टी है उस टाइम पे कैसे हमको क्वाइंस मिल रहे हैं, ठीक है, किस मेटल के मिल रहे हैं मुझे ये भी हम लोग को देखना है. तो अब हम इंडिया में ही देखते हैं कि द कुशाना इशूड देयर क्वाइंस मोस्टली इन गोल्ड एंड कॉपर. ठीक है, जो कुशान पीरियड है माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले गोल्ड के क्वाइंस शुरू किए या सबसे ज़्यादा क्वाइंस उन्हीं के शुरू हुए, ऐसे लोग मिलता है पढ़ने को. तो यहाँ पर कि द कुशानास इशूड देयर क्वाइंस मोस्टली इन गोल्ड एंड कॉपर. ठीक है, ये है. तो अब यहाँ पे क्वाइंस के देखिए कैसे यहाँ पे चित्र बने हुए हैं. इसमें क्या होता था, उस टाइम का जो किंग है उसका चित्र बना होता था या उस टाइम के जो भी गॉड हैं उनका चित्र बना होता. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो गॉड हैं वो किस गॉड को मान रहे हैं, एक ये इन्फॉर्मेशन मिलती है. उस पर कुछ मेंशन है या उस राजा के बारे में मेंशन है, वो डेट मेंशन है, तो हम लोग को लग जाता है कि ये जो टाइम पीरियड है वो उस किंग के किंग का है ये टाइम पीरियड. फिर वो क्वाइंस अगर मान लीजिए ये नॉर्थ में अगर आप देख रहे हैं वो क्वाइंस या नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल रहा है और वही सेम क्वाइन जो है आपको नॉर्थ वेस्ट में मिल रहा है, तो इससे क्या है कि पता चलता है कि ये ट्रेड कहाँ से कहाँ तक हुआ है. ठीक है, और ये माना जाता है कि जो मौर्य डायनेस्टी थी, जो मौर्य टाइम पीरियड पे था, वहाँ पे जो क्वाइंस मिले वो पता चलता है कि उस क्वाइंस से ही पता चलता है, कि और भी चीज़ों से पता चलता है उनके इंस्क्रिप्शन एंड ऑल से, लेकिन जो क्वाइंस से पता चलता है कि उनका ट्रेड जो है या उनका जो राज्य है वो पूरे भारत में था. ठीक है, और उन्होंने ही जो है इंडिया में सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू किया था. तो ये चीज़ें जो हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है हमको मिलती है. ठीक है, उसके बाद जो है हम गुप्ता पीरियड देखते हैं कि द गुप्ताज इशूड देयर क्वाइंस मोस्टली इन गोल्ड एंड सिल्वर. ये भी जो है मोस्टली क्वाइंस किस में कर रहे हैं, गोल्ड में. और गुप्ता पीरियड को गोल्ड एज भी बोला जाता था, कि जो गुप्ता पीरियड है वो गोल्ड एज के नाम से जाना जाता था. ऐसा नहीं कि वहाँ पे गोल्ड के क्वाइंस मिल रहे हैं इसलिए गोल्ड एज है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संपन्नता थी हर चीज़ में. हर चीज़ में आप देखिए, जैसे कि लिटरेचर में देख लीजिए, उस टाइम पे आर्यभट्ट, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन जो भी थे, हर चीज़ में उस टाइम के जो टेंपल्स हैं, तो कहा जाता है कि हर जब आप सारे चीज़ों में बहुत संपन्न रहते हैं हर क्षेत्र में, तो कहा जाता है कि वो गोल्डन एज था. ऐसे ही क्वाइंस में भी उनके सिक्के जो हैं बहुत सॉरी जो गुप्ता एज है उसमें जो क्वाइंस मिले हैं वो भी मैक्सिमम जो हैं गोल्ड के मिले हैं. तो इससे ये लगता है कि वो लोग बहुत रिच थे, संपन्न थे. और टेक्निक की जैसे वो गोल्ड पे पहले आपने देखा अर्लीस्ट क्वाइंस पे कि पंच मार्क क्वाइंस आपने देखा, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे टेक्निक नहीं है. आप देख रहे हैं कि पंच करके क्वाइंस बनाए जा रहे हैं. अब आप यहीं पे कुशाना पीरियड में जो क्वाइंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, ये पंच नहीं किया गया. इस पे बकायदे जो है आप देख रहे हैं कि फिगर बना हुआ है, आपको पता चल रहा है कि हाँ ये बना हुआ है और एक शेप में बना हुआ है, गोल राउंड में आपको दिख रहा है. तो ये क्या, एक टेक्निक भी डेवलप हो रही है, क्वाइंस की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, क्वाइंस से बहुत सी चीज़ें हम लोग को पता चलती हैं. ठीक है, अब देखिए जो लाइन मैंने आपको समझाई थी वही है कि द पंच मार्क क्वाइंस दैट बेयर सिंबल्स ऑन देम. ठीक है, तो क्या है उस पर मैंने बताया कि जो सिंबल्स उस पर केवल बने हुए हैं. ठीक है, और जिसको जो है अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा चुका है कि उस पर क्या लिखा हुआ है. ठीक है, वही चीज़ें जो है यहाँ पे हैं. और उसके बाद जो है इंडो ग्रीक क्वाइंस जो हैं वो किस तरीके से हैं, जैसे लिखा है कि द इंडो ग्रीक क्वाइंस जो है वो ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक हैं. क्यों लिखा है, क्योंकि हम न्यूमिस मीटिंग में पढ़ रहे हैं कि क्वाइंस किस तरीके के होंगे, ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक फीचर्स हैं. ठीक है, उस पर और उस टाइम के किंग के बारे में बताया गया है, उस टाइम के जो गॉड हैं उनके बारे में बताया गया है. तो इस तरीके से जो क्वाइंस हैं वो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उस टाइम की जो डायनेस्टी थी वो कितनी डेवलप्ड थी या कितनी सक्षम थी ट्रेड में, या किस तरीके के उनके क्वाइंस है, टेक्निक कैसी है उस टाइम की. और सबसे बड़ी बात जो है पता चलती है कि उस पर जो ईयर मेंशन है उससे पता चल जाता है कि वो किस टाइम पीरियड का क्वाइंस है. ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि
यहाँ पर देखिए कि द कुशाना इशूड मोस्टली गोल्ड क्वाइंस, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, कि जो कुशान जो है वो जाने जाते हैं कि उन्होंने मोस्टली जो है गोल्ड के क्वाइंस इशू करा, तो इशू किए. तो ये चीज़ें हैं और इसी से पता चलता है कि विच आर फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, अप टू बिहार, ठीक है. तो ये चीज़ें पता चलती हैं कि किस कहाँ से ये क्वाइंस मिल रहे हैं और किस एरिया से मिल रहे हैं, उनका जो रूल है वो किस एरिए में था. तो आपने क्वाइंस के बारे में देखा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पर मिल रही है. आपने देखा कि यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि जो अर्लीस्ट क्वाइंस हैं, इसमें न्यूमिस्मेटिक में क्या करते हैं, हम क्वाइंस की स्टडी करते हैं, और जो सबसे अर्लीस्ट क्वाइंस हैं वो कैसा है, पंच मार्क क्वाइंस हैं, पंच करके उन पर बनाया जा रहा है. फिर इसी के बारे में बताया कि किस चीज़ से बना है, तो सिल्वर और कॉपर से बना हुआ है. फिर इंडो ग्रीक के बारे में देखा कि ये सिल्वर एंड कॉपर जो है वो बना हुआ है. कुशान जो है वो मोस्टली गोल्ड के क्वाइंस जो हैं वो इशू किए हैं. गुप्ताज भी जो हैं गोल्ड एंड सिल्वर, और ये क्या है, गोल्ड और कॉपर. कुशान में क्या है कि वो गोल्ड और कॉपर, और जो हैं गुप्ताज जो हैं वो गोल्ड और सिल्वर, ठीक है. उसके बाद पंचमार्क क्वाइंस पे जो हैं वो ओनली सिंबल्स बने हुए हैं. मैंने बताया कि कैसे सिंबल्स बने हुए हैं. उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जो यहाँ पर मैंने बताया कि जो पंचमार्क क्वाइंस हैं उस पर सिंबल बने हैं, और जो कुशानाज हैं उन्होंने सबसे मोस्टली जो है गोल्ड के क्वाइंस इशू किए, और इंडो ग्रीक जो हैं वो क्वाइंस जो हैं वो किस तरीके हैं, ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक फीचर्स हैं उस पर, ठीक है. इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक फीचर्स उस पर बने हैं, तो इससे उनकी आर्ट के बारे में भी पता चल रहा है, क्वाइंस की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल रहा है. तो न्यूमिस्मेटिक में ये चीज़ें हैं, ठीक है. फिर हम इंस्क्रिप्शन में आते हैं कि इंस्क्रिप्शन में क्या होता है. तो लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का. और इसमें क्या होता है, राइटिंग, हिस्ट्री राइटिंग और इंस्क्रिप्शन, कि जो हिस्ट्री है वो एक रिटन फॉर्म में हमें किस पे मिलती है, स्टोन पे, पिलर पे, बिल्डिंग पे, क्वाइंस पे. क्वाइंस पे हम नहीं कह सकते, क्वाइंस अलग हो जाता है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे जो इंस्क्रिप्शन है वो किस पे है, स्टोन, कॉपर प्लेट्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, इन सब पे जो मुझे रिटन इंफॉर्मेशन मिलती है उनको हम इंस्क्रिप्शन ही कहते हैं. और इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, रिटन इंफॉर्मेशन मिलती है, मैसेज मिलता है, किस पे, स्टोन्स पे, बिल्डिंग्स पे, स्कल्पचर्स पे, ये जो है वो इंस्क्रिप्शन में आता है, ठीक है. और उसके बाद जो कहा जाता है कि जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है. क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ स्टोन पे लिखी है या किसी स्टैचू पे लिखी है, कॉपर प्लेट्स पे लिखी है, तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं. वो क्या है? एक तरीके से साइंटिफिक है. कहने का मतलब कि जो चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, जो प्रूव्ड हैं, वो साइंटिफिक ही होती हैं. और कार्बन डेटिंग, ठीक है, इन चीज़ों के थ्रू जो है हम उनका टाइम एज भी पता कर लेते हैं कि उनका टाइम पीरियड क्या है. तो इस तरीके से जो है हमको मिलती हैं. अब देखते हैं कि सबसे अर्लीस्ट जो क्वाइंस जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कौन से हैं. द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग इज़ फाउंड इन द हड़प्पा सील्स, ठीक है, कि सबसे पहले अगर हमने कोई हम हो ऐसे तो आप अशोक पे भी आएंगे, लेकिन अर्लीस्ट की बात होगी तो हड़प्पा में जो है हमको सील्स मिले हैं सबसे पहले. और लेकिन बस ये है कि जो उस टाइम की जो है वो अभी पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है, अभी पढ़ा नहीं गया है. तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग इज़ फाउंड इन द हड़प्पा सील्स, ठीक है, ये है. उसके बाद जो है दे आर पेट्रियोग्राफिक, इसका मतलब है कि जो स्क्रिप्ट है उस पर फिगर के फॉर्म में अगर कुछ लिखा है तो वो इसमें बताया गया है, ठीक है. उसके बाद आता है कि जो राइटिंग सिस्टम, हम अशोका पे आ जाते हैं क्योंकि अर्लीस्ट आपने देखा कि जो हड़प्पा है उसके बारे में वहाँ पे मुझे किस तरीके के मिल रहे हैं, सील्स पे लिखे हुए मुझे मिल रहे हैं मैसेजेस, वो हैं सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, ठीक है. उसके बाद जो है अशोका का इंस्क्रिप्शन आता है, और ये किया जा ये कंसीडर्ड टू बी द अर्लीस्ट. क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर जो इंस्क्रिप्शन का जो फॉर्म है वो, और वो भी कोई किंग की थ्रू की तरफ से, तो वो अशोक का ही है. अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ऑथेंटिक
स्टार्ट अर्लीस्ट माना जाता है। अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर किसी किंग ने कोई इंस्क्रिप्शन इशू किया तो वो अशोक ही है। अशोक का इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, खरोष्ठी में भी उसकी इंस्क्रिप्शंस हैं, और जो खरोष्ठी ब्राह्मी में है और खरोष्ठी में, तो खरोष्ठी जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको मिलती है, अफगानिस्तान की तरफ, और उसमें बहुत उसके नहीं है इंस्क्रिप्शन, लेकिन ब्राह्मी में जो मोस्टली जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कि जो लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, दे नेवर स्पीक ऑफ डिफेक्ट्स या वीकनेस। ठीक है, वो ये बता रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन है वो कभी भी हम लोग को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि उसमें वो चीज़ें मेंशन है। ठीक है, आपको बस, और जैसे अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात देखें तो बहुत तरह के इंस्क्रिप्शन होते हैं। ठीक है, रिलीजियस इंस्क्रिप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है, डेडिकेटिव इंस्क्रिप्शन है, बहुत तरह के इंस्क्रिप्शन होते हैं, कॉपर प्लेट्स। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो कॉपर प्लेट्स हैं उस पर क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है, उस पर मैसेज दिया जाता है लीगल, या आप कह सकते हैं कोई रूल से रिलेटेड अगर कोई देना है मैसेज तो वो कॉपर प्लेट्स पे ही लिखा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब मैंने बताया कि इंस्क्रिप्शन कहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्टोन, पिलर, बिल्डिंग, मोनूमेंट्स, इन चीज़ों पे देखते हैं। उसके बाद जो है आप देखते हैं कि सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा था। तो सबसे अर्लीस्ट में आपने देखा कि जो है हड़प्पा सील्स के बारे में बताया गया है कि हड़प्पा सील्स जो है वो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद जो है अगर किंग के बारे में, अगर राइटिंग सिस्टम प्रॉपर अगर देखा जाए कि किसी किंग ने कोई इशू कराया है तो वो अशोक का इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने बता ही दिया आपको कि इंस्क्रिप्शन कितने कितने तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, डेडिकेटिव होते हैं, और यूलॉजिस्टिक होते हैं कि किसी की तारीफ़ में आपने कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आते हैं इसी में, एपिग्राफी। अब ये एपिग्राफी क्या है, तो देखिए एपिग्राफी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स, पिलर्स, टेम्पल्स, वॉल, कॉपर प्लेट्स। ठीक है, ये भी जो है एपिग्राफी क्या है कि अभी आपने इंस्क्रिप्शन पढ़ा, अब पढ़ना है कि जो इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा होता है और जो हम उसको पढ़ते हैं वो एपिग्राफी का पार्ट होता है। और एपिग्राफी जो है वो कहाँ पे, किस चीज़ पे लिखी हुई चीज़ों को हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे, उसी को जो है हम पढ़ेंगे तो वो एपिग्राफी हो जाएगा, वो एपिग्राफी का पार्ट हो जाता है। एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट हैं। आप देख सकते हैं कि एपिग्राफी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स, पिलर्स, टेम्पल, वॉल्स, कॉपर प्लेट्स। ठीक है, तो अभी हमने यही बताया था कि जो इंस्क्रिप्शन है वो किस पे रिटन फॉर्म में मिलता है तो इंस्क्रिप्शन हो जाता है। उसी रिटन फॉर्म को अगर हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एपिग्राफी हो जाता है। तो एपिग्राफी का मतलब यही समझिए कि ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टडीज दैट डील्स विद द आर्ट और राइटिंग। ठीक है, एपिग्राफी क्या डील करता है, उस इंस्क्रिप्शन, उन पिलर, उन रॉक्स पे लिखी हुई आर्ट, लिखी हुई जो वो बनाई हुई आर्ट, वो लिखी हुई राइटिंग, इन सब की जो है वो स्टडी करता है। वही हम, वही जो है आर्ट है कि जिस पढ़ा कैसे जाए। जैसे आपने भी देखा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, वैसे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जब पढ़ेंगे और उसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है वो बताएंगे, वो किस चीज़ का पार्ट है, वो एपिग्राफी का पार्ट है। हमने बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन होते थे, तो उनको अगर आपने पढ़ा, उन्होंने बताया, तो वो क्या हो गया, वो एपिग्राफी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अ पर्सन हु यूज द मैथड्स ऑफ एपिग्राफी इज रिफर्ड एज एन एपिग्राफर। जो मेथड यूज़ करता है एपिग्राफी का पढ़ने के लिए इंस्क्रिप्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है। एपिग्राफी इज एसेंशियल टूल टू रिकवर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड्स ऑफ एंटीक्यूटी। ठीक है, कि जो भी एंटीक्यूटी मिल रहा है, जो अवशेष मुझे मिल रहा है, उससे जो है स्टार्टिंग का जो हम बता रहे हैं वही एपिग्राफी है। ठीक है, तो ये है कि उस टाइम पे जो भी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम के लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वही जो है एपिग्राफी का पार्ट है। ठीक है,
ये है एपिग्राफी। यहाँ देखिए इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एकदम क्लियर रहिए। और एपिग्राफ्स एज अ राइटिंग, इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है? साइंस की तरह। क्यों? क्योंकि एक ही मेथड है, मैथडोलॉजी का एक तो पार्ट भी है, दूसरा ये एक टेक्निक है किस चीज़ का, इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने की ये जो है वो आर्ट है, एक तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया एपिग्राफी। ठीक है, यहाँ पे वही बात लिखी, अ पर्सन यूजिंग द मेथड्स ऑफ एपिग्राफी इज कॉल्ड एन एपिग्राफर। ठीक है, या एपिग्राफिस्ट ये बोलते हैं। और एपिग्राफिस्ट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? ट्रांसलेटिंग के लिए, कि वो ट्रांसलेट करते हैं, वो बताते हैं कि इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ है, वो उस टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हड़प्पा जो सील्स मिली है इंस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा, उसको नहीं पढ़ा जा सका है। क्यों? क्योंकि अभी जो एपिग्राफिस्ट हैं वो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं जो है वो उसकी तरीके की कि किस तरीके से उसको पढ़ा जाए, तो उस पर वर्क चल रहा है। तो एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? आपने इंस्क्रिप्शन देखा, इंस्क्रिप्शन में ओवरऑल सब कुछ आ जाएगा। एपिग्राफी एक आर्ट है, एक साइंस है, कि वो एक राइटिंग को पढ़ने का एक तरीका है। फिर क्या है? पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी में क्या आता है कि पैलियोग्राफी क्या होता है कि जो पैलियोग्राफी इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द साइंस That studies writing as a creative human activity, ठीक है, and its relation to cultural history. जो epigraphy, ये paleography है, epigraphy में क्या है, हम उसको पढ़ रहे हैं, उस तकनीक को हम कह रहे हैं, लेकिन जो paleography हो जाता है वो क्या होता है, उस writing जो written form में है या जो documents हैं उनको पढ़ना जो है वो paleography का part हो जाता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है पैलियोग्राफी। दिस इज़ वे पैलियोग्राफी हैज़ लॉन्ग बीन कंसीडर्ड अ टूल फॉर रीडिंग मैनुअल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर है द एप्लीकेशन ऑफ पैलियोग्राफीज एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि जो एपिग्राफी है वो किस चीज़ के लिए है? इंस्क्रिप्शंस की स्टडी के लिए है, लेकिन जो पैलियोग्राफी है वो किस चीज़ के लिए है? वो डॉक्यूमेंट्स की स्टडी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो पैलियोग्राफी किसको कहते हैं? जो डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो राइटिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको पढ़ने के लिए जो है वो एपिग्राफी का यूज़ होता है। दस एपिग्राफी कैन ऑल्सो बी सीन एज अ साइंस दैट स्टडीज़ राइटिंग एज अ टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी राइटिंग क्या है या स्क्रिप्ट क्या है, वो एक टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन का मीडियम है, तो वो पैलीग्राफी जो है उसका पार्ट है और हम उसमें उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये पैलोग्राफी का पार्ट है। फिर आता है स्क्रिप्ट्स, कि स्क्रिप्ट्स में क्या चीज़ें आती हैं। अ लैंग्वेज यूजुअली रिफर्स टू द स्पोकन लैंग्वेज अ मैथड ऑफ कम्युनिकेशन। स्क्रिप्ट का मतलब समझिए, एपिग्राफी का भी मतलब, इंस्क्रिप्शन का मतलब, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब पहले जानना जरूरी है। स्क्रिप्ट में क्या आता है कि स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट का मतलब है कि स्क्रिप्ट क्या होता है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। अगर ब्राह्मी स्क्रिप्ट ना होती, प्राकृतिक संस्कृत स्क्रिप्ट ना होती, तो हम जो भी मैसेजेस मुझे इंस्क्रिप्शंस में मिले हैं उस टाइम के, एंशियंट टाइम के, वो हम कैसे पाते, हम कैसे बात समझ पाते कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, वो किस क्या कह रहे हैं हमसे और क्या चीज़ें मुझे उसके बारे में मिल रही है। ठीक है, अ स्क्रिप्ट रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू राइट ऑन और मोर लैंग्वेजेस। ठीक है, जो स्क्रिप्ट है, जो कलेक्शंस हैं, वो बहुत ही कई लैंग्वेज में होती हैं। अभी मैंने दो तीन आपको बताया, देवनागरी है, वो ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, प्राकृतिक है, संस्कृत है, तो बहुत तरह की लैंग्वेज हैं, कम्युनिकेशन का मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दे आर मेनी लैंग्वेजेस इन एंशियंट इंडिया इंडियन स्क्रिप्ट सच एज संस्कृत, पाली एंड हिंदी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लैंग्वेज हैं एंशियंट स्क्रिप्ट्स की। और फिर है कि
जो लोग होते हैं वो कई लैंग्वेज को भी जानते हैं, एक लैंग्वेज को भी जानते हैं। और जैसे अभी जो पैलियोग्राफी में आपने देखा कि राइटिंग पढ़ने की जो आर्ट है, किस तरीके से हम राइटिंग की स्टडी करें, वो पैलियोग्राफी का पार्ट है। तो वो स्क्रिप्ट की ही, वो लैंग्वेज की ही वो टेक्निक यूज़ करते हैं कि कैसे उसकी स्टडी की जाए, क्या मैसेजेस लिखे हैं। तो हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन आपको सबको अलग अलग समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग से पूछेगा और आपसे सिलेबस में भी अलग से पूछा है। तो न्यूमिस्मेटिक, इंस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, ये सब टर्म्स जो हैं आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो लिस्ट है वो किस तरीके की है स्क्रिप्ट की। जैसे इंडस स्क्रिप्ट्स क्या है? इट रिफर्स टू द स्क्रिप्ट यूज बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस स्क्रिप्ट क्या है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ की गई थी। वहाँ पे कैसी की गई थी? जो है वो सिंबल बेस्ड थी, मतलब कि उसका फिगर बना हुआ था, ऐसी स्क्रिप्ट जिसका चित्र बना हो, चित्र के छोटे छोटे चित्र बना के उन्होंने अपनी बातों को लिखा था, वो इंडस स्क्रिप्ट है, ठीक है। वही कि अभी तक डिसफेयर नहीं किया जा सका है और अभी जो है इस पर काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आइए। ब्राह्मी इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडियन स्क्रिप्ट्स, इंक्लूडिंग देवनागरी, बंगाली, तमिल एंड मलयालम एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि इसको जो खोजा था जिसने, वो कौन थे? इट वॉज द डिसफेयर्ड इन 1937 बाई जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये देखनी है कि इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल्स और फाउंड इन द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। जो इसके बारे में बेस्ट एग्जाम्पल मुझे दिखता है वो किस में दिखता है? अशोक के इंस्क्रिप्शन में दिखता है, ठीक है। फिर खरोष्ठी स्क्रिप्ट में आइए। इट इज़ द सिस्टर स्क्रिप्ट एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ ब्राह्मी, ये कहा जाता है। और इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसमें जो है इसका तरीका क्या है? राइट टू लेफ्ट लिखते हैं इसमें, ठीक है। और इट वॉज यूज इन द गंधारा कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। मैंने अभी बताया था इससे पहले जब मैं बता रही थी कि ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यूज़ किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट किधर पड़ेगा? आपका अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे खरोष्ठी स्क्रिप्ट, क्योंकि अशोक के कुछ जो इंस्क्रिप्शन है वो खरोष्ठी में ही हम लोग को मिले हैं और वो वहीं से मिले हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है वो गुप्ता स्क्रिप्ट है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसका जो राइज है वो कैसे हुआ है? नागर, सारदा एंड सिद्धम स्क्रिप्ट से, ठीक है। फिर ऐसे ही सारदा स्क्रिप्ट है। इट वाज द वेस्टर्न और वेरिएंट ऑफ द गुप्ता स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर ऐसे ही नागरी स्क्रिप्ट है। इट वाज एन ईस्टर्न जो है वेरिएंट ऑफ द गुप्ता स्क्रिप्ट। फिर है देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं। इट इज़ द मेन स्क्रिप्ट ऑफ प्रेजेंट टू राइट स्टैंडर्ड हिंदी, मराठी एंड नेपाली एज वेल एज संथाली, ठीक है। तो ये है देवनागरी स्क्रिप्ट, नागरी स्क्रिप्ट एंड सारदा स्क्रिप्ट और गुप्ता स्क्रिप्ट। लेकिन जो इसमें मेन स्क्रिप्ट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि मेन जो है वो तीन ही हैं। एक इंडस स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और खरोष्ठी स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये मेन तीन स्क्रिप्ट हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, उसके बाद जो है ये है आपका इंडस स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट। तो ये आज का लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा है वो देखिए क्या क्या चीज़ें आज पढ़ी हैं हम लोगों ने। मैथडोलॉजी का ये सेकेंड पार्ट था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे न्यूमिस्मेटिक पढ़ा। न्यूमिस्मेटिक में क्या देखा कि ये क्वाइंस ऑफ स्टडी है, कि हम कैसे क्वाइंस की स्टडी करते हैं, कि उस पर लिखा कैसा है, वो बना कैसा है, उसका जो है वो किस मेटल का बना है, किस किंग के टाइम पर जो है वो किस तरीके के क्वाइंस चलते थे, ये हमने न्यूमिस्मेटिक में पढ़ा। फिर इंस्क्रिप्शन देखा। इंस्क्रिप्शन में क्या है? इंस्क्रिप्शन जो है वो किसे हम कहते हैं? जो भी मुझे रिटन फॉर्मेट, रिटन फॉर्म में जो भी मुझे पिलर,
स्टोन, इन सब पे जो भी मैसेज मुझे मिलता है वो इंस्क्रिप्शंस में आता है। फिर ऐसे ही एपिग्राफी देखी। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी रिफर टू द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स, पिलर्स, टेंपल वॉल्स, कॉपर प्लेट्स, इन सब पे जो भी इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने की जो टेक्निक है वो है एपिग्राफी। ठीक है, कि हम इंस्क्रिप्शन को जो पढ़ते हैं वो एपिग्राफी का पार्ट होता है, और जो एपिग्राफी को पढ़ता है, एपिग्राफी मेथड को यूज़ करता है, वो एपिग्राफिस्ट होता है। ये देखा, ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। पैलियोग्राफी क्या है? पैलियोग्राफी जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, ये एक तरीके का साइंस है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसे स्टडी करना जो है वो पैलियोग्राफी का पार्ट है। फिर जो है हम आते हैं स्क्रिप्ट पे, कि स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट क्या है? एक कम्युनिकेशन का मेथड है, एक मीडियम है। हम लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातों को समझते हैं, वो स्क्रिप्ट में आता है। फिर हमने देखा कि स्क्रिप्ट में कितने तरह के स्क्रिप्ट है। इंडस स्क्रिप्ट देखा, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अशोक का है, आपने वो भी देखा। फिर खरोष्ठी स्क्रिप्ट है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में क्या देखा कि जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, और ये जो है सिस्टर बोली जाती है किसकी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट की। और ये कहाँ पे ये ज़्यादा ये मिला हुआ है? तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसके ज़्यादा सोर्स मिले हुए हैं। ऐसे ही गुप्ता स्क्रिप्ट है, शारदा स्क्रिप्ट है, और नागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, ये सारे स्क्रिप्ट हैं। तो हमने इसमें टोटल यही पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आज। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ पे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।